संदेश भाई, ये जो अभी जो बात अभी मानक जी ने बोली जलंधर से, जो बात अपनी कही, क्या आपको लगता है कांग्रेस का नैरेटिव जो है वो अब लोगों तक पहुंचने लगा है, पहुंच रहा है या नहीं? आशुतोष, एक तो बात ऐसी है कि जब राहुल कर रहे तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की है। मुझे पूछा तो मैं बताऊंगा कि मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, कांग्रेस की लीडर ने शुरू की हुई यात्रा है, और जिसमें बाकी सब लोग, अब आज कमल हसन थे, वो तो उन्होंने बताया भी रैली में कि पार्टी उनसे जुड़ जाएगी या नहीं, वो सब अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। हाँ, लेकिन कंट्री फर्स्ट। और मैं, मुझे एक सोच आ गई कि अभी देश खतरे में है तो जाना होगा। सो ऐसे जैसे योगेंद्र यादव ने शुरू किया था, उनकी तो पार्टी अलग है। सो अलग अलग पार्टी के लोग, स्टालिन ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, अभी अखिलेश यादव मायावती ज्वाइन होने की वो बोल रहे हैं, तो अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ आ रहे हैं? ये कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए आप इसे देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा है या एक भारत जोड़ो की यात्रा है जो एक कांग्रेस की लीडर ने शुरू की है और उसके बाद बाकी लोग भी उसे जुड़ रहे हैं, ऐसा हम देखेंगे। पत्रकार तो कहते ही रहे हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा है, ये कांग्रेस की यात्रा है, मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए जब आपने भी पूछा था कि वाजपेयी के समाधि पे गए, वाजपेयी के कोई सबके समाधि पे वो जाएंगे, वाजपेयी भी ऐसे ही एक एक एक, एक, एक जैसे जैसे बहुत रिस्पेक्टेड जो लीडर्स थे हमारे और हुए हैं उसमें से एक है अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहां जाना तो कोई गलत बात नहीं है। तो लोग इस तरीके से उसके साथ आ रहे हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि अभी अब आपके प्रश्न से, आपके सवाल से तो ये मैं एक ही जवाब दे सकूंगा कि इतने लोग जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आ रहे होते तो कांग्रेस कब की जीती होती? तो आप देख रहे हैं कि इसका 2024 में इसका फायदा होगा या नहीं? मैं तो इस तरीके से, और एक आम आदमी की तरह, मैं एक आम आदमी, गोवा में तो यात्रा आई नहीं, ओके, गोवा के लोग कहीं जाके यात्रा में शामिल हुए, बोल रहे हैं गोवा में सब लोग यात्रा के बारे में, जब यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी जगह पे देखते हैं, और मीडिया ने ब्लैकआउट किया तो भी कुछ असर नहीं होता है, लोग देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और लोगों में बातचीत हो भी रही है, और लोग इसके बारे में है कि जो 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 सवाल पूछा था कि पहली बार कि भारत जोड़ो बोल रहे हैं तो भारत तोड़ टूटा हुआ है क्या? हाँ, भारत टूटा हुआ है। योगेंद्र यादव ने बताया कि नहीं यार, भारत टूटा नहीं हुआ है, भारत टूटा हुआ है, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से खोखला बन गया है, और इसकी चिंता जो जिस आदमी को है वो आदमी इस यात्रा में शामिल हो रहा है। बिल्कुल। कार्तिकेय, आपको क्या लगता है, ये जो गोवा से, जलंधर से जो बात सामने आ रही है, उसके बरक्स राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर कल मान लीजिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अगर हार जाती है, मान लीजिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, तो लोग कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप रही, राहुल गांधी जो है फिर से उनका लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गया, क्या ये कहना सही हो पाएगा? आशुतोष जी, अगर कर्नाटका में कांग्रेस हार गई तो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि कर्नाटका भारत जोड़ो यात्रा और नो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एकदम फर्टाइल टेरिटरी है इस समय कैप्चर करने के लिए। तो अगर वो कर्नाटका किसी भी वजह से हार जाते हैं तो देयर प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन द फेलियर ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा, ये पहला मेरा असेसमेंट है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्ट्री के बिना लेजिटिमेसी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो एक पर्सपेक्टिव है जो अभी तक हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया है, मैं दो चार बातें बताना चाहूंगा जो मैंने समझी है। कि देखिए, कांग्रेस कभी भी सीरियस विपक्ष की पार्टी नहीं रही थी, ये शायद पहली बार उनको 8-10 साल एक स्ट्रॉन्ग और गवर्नमेंट के सामने विपक्ष की पार्टी बनना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की एक ट्रेनिंग पीरियड है जहां वो अब समझ रहे हैं कि विपक्ष की पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, और उसमें भी एक गांधी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के लिए भी एक नया फेज है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स की स्पेस में। अगर आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से जो अटैक्स आए हैं, आपने कहा कि वो थोड़े ओछे अटैक्स हैं, मुझे लगता है या तो अटैक्स ओछे हो गए हैं या बहुत कम हो गए हैं। तो बीजेपी भी समझ रही है कहीं ना कहीं कि देखिए, ये व्यक्ति चल रहा है इस समय, इसको ही इज कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल,
मैं बात करता हूं लोगों से, जैसे वो कहते हैं कि देखिए हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी के लिए एक रिस्पेक्ट है हमारे मन में कि वो आदमी चल रहा है। इसमें और भी बारीक बातें हैं आशुतोष जी की। देखिए आपने टी शर्ट की बात शायद आपने करी या नहीं करी, मैं नहीं जानता। मैंने की तो आप समझिए कि वो पोजिशनिंग कितनी जबरदस्त है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि मोदी जी हैं उनका एक देवत्व का एंगल है कि वो कुछ भी कर जाते हैं। हमने तो ये तक सुना है कि गुजरात में लोग व्रत रखते हैं उनके नाम का। तो जब राहुल गांधी ऐसी चीजें करते हैं 100 दिन के लिए आप जब पब्लिक लाइमलाइट में रहेंगे तो एक आध चीज आपके बारे में भी सामने निकल कर आएगी, जिससे आपके बारे में भी लोगों को पता चलेगा वो चीजें जो शायद कभी किसी को पता नहीं थी। उसको आप कैसे स्पिन करते हैं वो अलग बात है। जहां तक आपने कहा कि ये अलग अलग लोगों की समाधियों पर गए, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है एक बात कि ये नॉन बीजेपी नहीं, नॉन नरेंद्र मोदी अमित शाह वोट कैच करने की कोशिश है। इसमें आप चाहे वाजपेयी जी का वोटर ले लें, या जो बताया गया अभी शायद अजय भाई बोल रहे थे या कौन बोल रहे थे कि देखिए वो चरण सिंह जी के यहाँ भी गए, वो जगजीवन राम जी के यहाँ भी गए। देखिए जब नेशनल पॉलिटिक्स आएगी तो जो नेशनल लेवल का वोटर है वो शायद बीजेपी के सामने कांग्रेस को खड़ा देखता है कई जगहों पर, तो ऐसे में वो वोटर के लिए इन विजिट का सिंबोलिज्म बढ़ जाता है। वही वोटर जो बसपा या सपा को वोट देगा असेंबली इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में, उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दो मेन बड़ी पार्टीज हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि इंक्रीजिंगली रीजनल पार्टीज का वर्चस्व नेशनल पार्टीज में, नेशनल इलेक्शन में कम हो रहा है, अनलेस वो किसी एक बड़े अलायंस से ना जुड़ी हो। तो उसका एक ये भी एक मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंस है। आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा से एक चीज जरूर कर ली है कि अब जब वो कुछ बात बोलेंगे उनकी बात में वजन होगा। क्योंकि कल जब उन्होंने बोला कि किसी ने बोला टी शर्ट नहीं पहनते, शायद मैंने ये सुना कि उन्होंने बोला कि आप अपने हमारे किसानों से पूछो वो भी तो नहीं पहनते, उनको तो कोई नहीं पूछता। या वो अब कहते हैं कि मैं तो वहां से यहां चलकर आ गया, मुझे तो कोई नफरत नहीं दिखी। तो अब इस बात में वजन आ गया है क्योंकि अब आप सच्ची में वो फर्स्ट हैंड देख कर आए हैं, तो आप जब बोलेंगे वो बात तो ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है? मुझे नहीं लगता। ये इनका एक सोशल प्रोग्राम है, जैसा कि आपको मैंने पहले पॉइंट में कहा कि ये कांग्रेस की एक ट्रेनिंग है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए। कि आप देखिए इसके बाद हर स्टेट यूनिट में यात्राएं निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये कांग्रेस की एक सोशल ट्रेनिंग है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए। अब इससे कांग्रेस का अपना वोट बैंक मजबूत होता है, लेकिन अब इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें जो पुश चाहिए वो एक अलग पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।